अंधेर नगरी चौपट राजा अडानी पावर प्लांट और उनके पालतू गुंडे। अब धीरे धीरे यह राज भी सुलझता जा रहा है कि अडानी में लोकल लोगों को क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है। इसका यही कारण है कि आए दिन अडानी पावर प्लांट के अंदर काम कर रही आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा कभी वेतन रोक लिया जाता है तो कभी महीनों महीनों तक वेतन नहीं दिया जाता है। इसके विरोध में जब वर्कर्स आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने के लिए लोकल गुंडों को बुलाकर उन्हें डराया और धमकाया जाता है। लोकल वर्कर को काम पर रखा जाता तो शायद इन लोकल गुंडों का 12 बज जाता। अब यह रही लोकल गुंडों की बात, चलिए अब आपको बताते हैं सरकारी गुंडों के बारे में। जवान फिसल गई थी, माफ कीजिएगा। आइए आपको बताते हैं पुलिस के बारे में। इन सब में पुलिस बस इतना सा रोल अदा कर रही है कि वक्त के मारे मजदूरों पर लाठी चार्ज कर रही है, और लाठी चार्ज इसलिए कर रही है क्योंकि वह अपने वेतन की मांग के लिए अड़े हुए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वहाँ के मजदूरों का कहना है। अब आपको कहाँ से पता चलेगा साहब कि कितनी कितनी दूर से मजदूर आकर यहाँ काम करते हैं और अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। आपको कहां से दर्द महसूस हो सकेगा उस गरीब का जो घंटों मशक्कत भी करता है लेकिन उसे उसका वेतन नहीं मिलता है, क्योंकि आप तो सरकारी सिस्टम का हिस्सा हैं। आपको तो हर महीने सरकारी पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और जरा कुछ टेबल के नीचे से तो मिल ही जाता होगा ना, तो आपको श्रमिकों का दर्द कहां से महसूस होगा। अगर कुछ गलत कह दिया हो तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन दिल से उन श्रमिकों की मजबूरी को समझ लीजिएगा तो आपके लाठी चार्ज करने पर आपका जमीर आपको खुद घिनौने नजरिए से देखेगा। बता दें कि अडानी पावर प्लांट में आउटसोर्सिंग कंपनी पीसीबी के सैकड़ों श्रमिकों ने सुबह से ही अडानी पावर प्लांट के गेट को जाम कर दिया है। इन सब का वेतन कई महीनों से बकाया होने के कारण कार्य बहिष्कार किया गया है। सदर प्रखंड के मोतिया में अडानी पावर प्लांट निर्माण कार्य चल रहा है। इस पावर प्लांट में दर्जनों आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें से एक कंपनी पीसीबी के लगभग 200 श्रमिकों ने सुबह से ही प्लांट का मेन गेट जाम करके रखा है। उनका कहना है कि 4 माह से उनका वेतन लंबित चल रहा है जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार पीसीबी कंपनी द्वारा उन्हें आश्वासन देकर उन्हें बहकाया जा रहा है मगर बकाए वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। और तो और लोकल गुंडे भी उन पर हावी हैं जो बार बार आकर स्ट्राइक को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, और धमकी भरे अंदाज में यह भी कह रहे हैं कि अगर स्ट्राइक नहीं तोड़ा तो तुम्हारी जान ले लेंगे। श्रमिकों का पुलिस पर भी आरोप है कि पुलिस भी मिली हुई है और हम पर लाठी चार्ज भी किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि श्रमिकों ने उन पर पत्थर बरसाए जिस कारण उन्हें लाठी चार्ज करना पड़ा। क्या आप भी हैं लॉकडाउन और बेरोजगारी से परेशान? तो घबराएं नहीं, इस लॉकडाउन और बेरोजगारी में भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है इजी कैश पॉइंट। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। CSP खोल कर आप कमा सकते हैं 10 से 20 हजार रुपए प्रति महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व DTH रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसी सुविधाएं और सभी ट्रांजैक्शन पर पाएं तुरंत कमीशन। आज ही CSP ID लेने के लिए और CSP संबंधित जानकारी पाने के लिए संपर्क करें 9162571443 पर।